अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़नामचा। आज हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जो कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हम आगाही के हवाले से बता चुके हैं, आगाही फराहम कर चुके हैं अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। खासकर हमने यही पैगाम पहुंचाया था कि कोरोना वायरस से जो है वो निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर जो है उनको अपनाना ज़रूरी है, और इस मुजी मर्ज से जो है एहतियात से ही जो है वो बचा जा सकता है, एहतियात के ज़रिए ही जो है इस पर काबू भी पाया जा सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मूजी मर्ज है जो कि कोरोना वायरस 185 ममालिक में इस वक्त जो है वो फैल चुका है, जबकि पाकिस्तान में भी इसके असरात जो है वो मुरतब हैं। यहाँ पर केसेस भी सामने आए हैं, सिंध में इसके केसेस हैं, पंजाब में इसके केसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इसके जो है वो केसेस हैं, दीगर पाकिस्तान भर में इसके केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अमवात जो है इससे ज़्यादा हुई हो या कोई डेंजर सिचुएशन हो, हालात जो है वो ज़्यादा ख़राब हों। लेकिन रोकथाम के लिए, इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से ये इकदाम किए गए हैं कि लॉकडाउन का सिलसिला हो, कारोबार जो है वो बंद किए जो गए हैं, ख़ासकर इस पर काबू पाने के लिए सब कुछ जो है वो अमल दरामद हुकूमत की जानिब से करवाया गया है। एहतियात सर ये है कि जो भी वज़ीर आला साहब ने जैसे हुक्म किया है कि आप घरों में महदूद रहें और बाहर नहीं निकलें, वज़ीर आज़म ने भी यही हुक्म किया है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी गुर्बत है गरीबों में, क्योंकि हमारे पास चार आने जो ये अमीर हैं, बारह आने गुर्बत है। रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले जो ये, उनका इंतज़ाम किया जाए, उनको घर में महदूद रखें ताकि इस मोरी बीमारी से वो बच जाएँगे, उनके बच्चे भी बच जाएँगे और ख़ुद भी बच जाएँगे। और ये वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला सिंध को बड़ी दुआएं देंगे, और ताकि वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो सेफ रहेंगे। उस वजह से जो ये वो, और दूसरी बात ये है कि पांचों वक्त नमाज पढ़ें और मस्जिदों में आएँ, और पेशमाम जो ही हैं हमारे जो पाकिस्तान के ख़ास करके, ये दूसरे फिरकों को छोड़ें, इस वक्त इसकी ज़रूरत है हमें, जो इस सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमसे अल्लाह ताला नाराज़ हो रहा है। अल्लाह को राज़ी करें, परवरदिगार दो जहाँ का मालिक वो राज़ी करो, तो ये कोई बीमारी नहीं हमारे, कुछ भी हमारे, कुछ भी कंट्रोल में, ये सब बीमारियाँ हमारे कंट्रोल में, रब राज़ी हो, मेरा रब्बुल आलमीन वो राज़ी हो, उसका हुजूर राज़ी हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जो रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले हैं, उनका इंतज़ाम किया जाए और उनको घरों पर राशन भी दिया जाए। 15 दिन के लिए जो है लॉकडाउन का जो ऐलान करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इकदाम है, इससे जो है वो लोगों को वबाई अमराज से भी महफूज रहेंगे, जो लोग एहतियातें नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये बहुत मतलब अच्छा जो है एक तरीके से पैगाम जाएगा। मगर जो रोज़ के जो लोग हैं, खाने कमाने वाले जो मज़दूर पेशा लोग हैं, उनके लिए जो है कोई अभी तक इकदाम नहीं किए गए। जो वज़ीर आला साहब की तरफ से जो ऐलान किया गया था राशन तकसीम करने का या उनके घरों पर राशन देने का, वो वादा अभी तक कहीं भी सुनने में नहीं आया कि वो पूरा किया गया हो। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है उनसे कि जो उन्होंने वादे किए हैं, गरीब लोगों का ख्याल करते हुए अपने उस वादे को वो पूरा करें, और जो मज़दूर पेशा लोग हैं या जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं उनके लिए वो जो है वो मदद का बाइस बने, ना कि लोग वबाई अमराज से ना मरें, भूख और अफलात से मर जाएँ। तो ये मेरी उनसे गुजारिश है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करें, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वबाई अमराज से बचाने के लिए लोगों को बहुत अच्छा जो है वो इकदाम कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा इस तरफ भी ख्याल रखा जाए। इस पर फ़िलहाल तो हुकूमत वक्त की जानिब से जो है ना वो कोई किसी भी किस्म का इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा है, और जो छोटा तबका है, जो रोज़ का कमाने वाला मज़दूर है, जो रोज़ की दिहाड़ी लेके जाने वाला मज़दूर है, इस वक्त वो जो है ना सख्त परेशान है। और मैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जो है ना वो अपील करता हूँ, गवर्नर सिंध से अपील करता हूँ, और जितने भी जो है ना मुतालिका जो है ना वज़रा हैं इस महकमे के, उन सबसे अपील करता हूँ कि खुदारा गरीबों का ख्याल कीजिए, ऐसा ना हो कि जो है ना नौबत वो जो है ना लूटामारी की तरफ आ जाए। आपका इकदाम ये बहुत अच्छा है लॉकडाउन कराने का, हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब को। देखें, जब गरीब के घर में बच्चे को खाने को नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो चारा ना चारा जो है ना वो क्राइम की तरफ आएगा, तो खुदारा इस पहलू को भी जो है ना नज़रअंदाज ना कीजिए। और गरीब की जो है ना जो आपने बोला था उसका अभी तक कोई लायमल सामने नहीं आया कि अगर आप राशन पहुँचाएंगे तो किस तरह पहुँचाएंगे, अभी तक कोई ऐसा लायमल सामने नहीं आया। आज 5वां रोज़ है लॉकडाउन को,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैदराबाद के शहरी बिलखसूस चांदनी मोबाइल मार्केट के दुकानदारान जो हैं वो भरपूर जो है ना ताउन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। और कोई एक भी दुकान अगर आपका कैमरा दिखा सकता है तो आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी दुकान नहीं खुली हुई है यहाँ पे। और अब हुकूमत वक्त का ये काम है कि अगर जो है ना लोग ताउन कर रहे हैं, दुकानदारान ताउन कर रहे हैं, आवाम ताउन कर रही है, तो अब ये गवर्नमेंट का हक बनता है, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि अब वो गुरबा के साथ जो है ना वो मदद करे। कुछ भी राशन नहीं पहुँचा है, ना कोई चीज़ पहुँची है, ऐसी बातें सारी की सारी बातें। राशन तो दूर की बात है, कोई पूछने भी नहीं आया कि आपने एक टाइम का खाना खाया नहीं खाया, या आपको घर तक आटा है आपके पास, कोई पूछने तक नहीं आया। ये सारी बातें दूर दूर तक की बात है, अभी तक कोई भी वादा कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई है। सर गरीब तबका ये है कि रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले, हमारा भी दुकान है, हम भी रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं। हमारा दुकान बंद पड़ा है, हम बहुत परेशान हो गए ये खाली ऐलान करने के राशन घर पर पहुँच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारे दुकान भी बंद है, हमारे 40-40 हज़ार दुकान का किराया है, हम किराया दुकान का कहाँ से देंगे, घर का किराया कहाँ से देंगे, कहाँ से खाएंगे। अगर ये 15 दिन शट डाउन हो गया तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, बीमारी क्या मारेगी, हम तो वैसे ही मर जाएंगे। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि लॉकडाउन करके, क्योंकि आवाम को इस वक्त तो यही हाल है कि जो कंडीशन नज़र आ रही है वो घर पर रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब ममालिक, जो गरीब बंदा है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाला, उनको तो कम से कम ये लायमल तैयार किया जाए ताकि वो गरीबों को राशन वगैरह तो तकसीम कर लें, कि कम से कम जो बंदा जो डेली कमाता है वो खाता है, उनको राशन कहाँ से दिया जाएगा। अभी तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी हुकूमत ने, किसी बंदे ने ऐलान तो बहुत सारे हो गए लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिला, सफ़ेद पोश आदमी है जो नहीं भी बोल सकते। आदमी को गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम उनके लिए ये एक चैनल तरीके से, एक ईजी SMS के तरीके से, कुछ ना कुछ तरीके से इनको राशन पहुंचाया जाए ताकि इनके लिए बेहतर हो सके। और राशन नहीं होगा तो बहुत सारी मुसीबतें और पैदा होंगी, कि ऐसा ना हो कि हम एक वबा को फैलाते बचाने के चक्कर में दूसरी वबा हमारे ऊपर आ जाए। सिर्फ गरीब के नाम के लिए होता है ये, तो सिर्फ वहीं के वहीं अपने लोगों को बाढ़ फूट के पूरा कर देते हैं। गरीब तो वो जाके दिखाया जाए कि गरीब को देते कहाँ हैं, ये तो खाली खाना पूरी है, गरीबों के लिए तो नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ, ये तो वबाल है हमारे अमालों का नतीजा। हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह ने हमें झटका दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये अल्लाह के अजाब हमारे पे आ रहे हैं। हमने नमाजें छोड़ दी, बेईमानी पे उतर आए, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इंसानियत को तकलीफ दी है तो उसकी वजह से बीमारियाँ, अजाब जो आ रहा है इंसानियत को तकलीफ दी आपने। ये सिर्फ बहाने दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि देंगे खाना पूरी। देने वालों को तो दिखाया, देने वाला है तो हाथ जो है जाहिर भी नहीं करता किसको देना है, वो खामोशी देते हैं और दिखाते हैं। या तो एक फ़ोटो देने के लिए, किस चीज़ को देने के लिए 10 आदमी को फ़ोटो खिंचवाना पड़े। बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। मैं कहता हूँ मैं अल्लाह अपना रहम और करम करे परवरदिगार। हम तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ये आफत को टाल, हमसे गलती हो गई, हम गुनाहगार हैं, बदकार। लेकिन नबी के उम्मती में से गुनाहगार हैं, बदकार, सियाकार, लेकिन माला तू माफ़ करने वाला है जो हमारा हमसे गलती हो गई, बस दुआ की दरख्वास्त है सब भाई। ये हमारे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वादा किया था, लॉकडाउन तो करवा दिया, वादा ये किया था राशन पहुंचाने का गरीबों को जो डेली बेसिस पे कमाता था और खाता था। लेकिन अभी तक ना गवर्नमेंट नज़र आई राशन देती हुई, ना कुछ। लॉकडाउन तो कर दिया लेकिन गरीब बंदा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? वायरस से मरे नहीं मरे, भूख से लाजमी मर जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये है कि चाहिए कि कम से कम गरीब के घर में तो आटा देना चाहिए और राशन देना चाहिए। हमने हमेशा जो जैसे हैदराबाद के ताजर कमेटी है, आपने देखा होगा सबसे पहले ताजर कमेटी हैदराबाद की होती है, जो भी इवेंट आता है उसमें सबसे पहले होता है। ये तो एक मूजी मर्ज़ है जिससे मुकाबला हमें करना है, जिसको भगाना है। उस हिसाब से हमने ताजरों ने ये ठीका उठा हुआ है कि ये मास्क भी दे रहे हैं, हैंड ग्लोव भी दे रहे हैं, उसके बाद हमने जो स्टेलाइजर है या सब कुछ जैसे हैंड वाश है, हमने मस्जिदों तक भी किए, आम चीज़ों पर किए। और अभी जो रात से एक पता नहीं क्या हो रहा है या जो सुनने में आ रहा है कि भाई क्रैकडाउन हो रहा है, कर्फ्यू हो रहा है, उसमें भी हमने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है कि अपने हैदराबाद के जो सिटीजन्स हैं उनको खाना भी पहुंचाएंगे, आम वहाँ पे की चीज़ जो हर रोज़ होती है वो घरों तक पहुंचाने के लिए, कि जैसे गवर्नमेंट का साथ देने के लिए हमने पहला कदम भी उठाया कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो प्रेस क्लब के जो मेम्बर हैं, जो हमेशा हमारे हक की जंग लड़ते हैं, जो हमारा आवाज़ हैदराबाद का आवाज़ पूरी दुनिया को पहुंचाते हैं, उनको मैसेज पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की कि प्रेस कलम पे भी आना ज़रूरी था। इसी वजह से हमने कासिमाबाद में मुख्तलफ
स्पॉट्स पे, मुख्तलिफ चौकों पे, मुख्तलिफ बाजारों में स्टॉल लगाए हैं, ऐसे ही मास्क के, ऐसे ही हैंड वॉश के, ऐसे ही स्टेलाइजर के, या जो जितनी भी चीज़ें होती है हमने कोशिश की है कि जो कोरोना से बचा के है तदाबीर जिससे गवर्नमेंट हमें फॉलो कर रही है या गवर्नमेंट को हम बता रहे हैं उसके हिसाब से हम चल रहे हैं रोडों पर। इंशाल्लाह ताला हमारा हैदराबाद अभी तक भी सेफ है, आगे भी अल्लाह से यही उम्मीद है कि कोरोना का एक भी केस हैदराबाद से नहीं मिलेगा। देखें, इस वबा को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन किया है और शहरी अभी तक जो कोरोना वायरस के जो खतरात हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं और अभी तक उसको वो इंजॉय कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने जब लॉकडाउन किया, कारोबार, तिजारती मराकज़ बंद कराएं, ट्रांसपोर्ट बंद करा दिया, हर चीज़, शहरियों को कहा गया है कि वो घरों पर रहें, तो शहरी घरों पर रहने के बजाय जो शाहराहों पर आ रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई किसे, तो इस तरह जो है उनको अभी तक चाहिए कि अवेयरनेस यही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मास्क यूज़ करें और जो है सेहत और सफाई के जो उसूल बताए गए हैं कोरोना वायरस से बचाव के, जो डॉक्टर्स तरीक़ेकार बता रहे हैं उस हवाले से वो होना चाहिए एहतियाती तबीयत। तमाम अभी जबकि अब लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं और तमाम जो कारोबारी तिजारती मराकज़ बंद होने के बाद शहरी अपने घरों तक महसूर हो जाएंगे, तो ये एक अच्छा अमल है हुकूमत का कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर कराई जा रही हैं, वो जो एक्सरसाइज कराई जा रही हैं वो होनी चाहिए, ना है कि उस रिज़ल्ट पर हम आएँ कि जैसे दीकर दुनिया के दीगर ममालिक में आप देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज़ किस तरह तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। तो ये इकदाम तो अच्छे हैं हुकूमत के, तमाम ऐसी और इकदाम करने चाहिए जिससे ये जो है मुकम्मल तौर पर बेहतर हो सके और शहरियों की जान व माल और उनका तहफ़ हो सके। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा वायरस है, लोग कह रहे हैं कि हाथ लगाने से भी वायरस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इस वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। हम तो खुद डरे हुए हैं, अपने बच्चों को भी डरा रहे, लोग डराने में लगे पड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि यार इसको हाथ लगाओ तो वायरस, अब कहाँ जाएँ। अब देखो इटली वालों ने मजाक समझा था इसको, आज वहाँ पर हालत देखो क्या हो गए, कितने लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कौम इसको समझ नहीं रही है। मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों इसको समझो और लोगों की बात मानो, हो सकता है किसी बड़े की बात मानना भी नेकी का काम है, समझो मेरे भाइयों इसको। इटली वाले में देखो लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, 188 ममालिक में कितने लोग अभी भी जान के खातिर हाथ धोए बैठे हैं, मेरे भाई समझो इसको, समझो। ये बताएं ना कि इससे एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए ख़ासकर, और इसमें जो कि ऐसे मौजी मर्ज से निमटने के लिए आपकी नज़र में क्या इकदाम होने चाहिए? भाई ये होना तो यही चाहिए, इंसान अपनी सेफ्टी खुद रखे, घर में रहें, अगर हुकूमत कह रहे हैं कि घर में रहो तो बेहतर यही है, वो तो कह रहे हैं कि गैर जरूरी बाहर ना निकलें, अगर बाहर निकलोगे तो आप इस वबा में आ जाओगे, लोगों से हाथ ना मिलाओ, सब मना कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी सेफ्टी खुद चाहते हैं, इंसान अपनी सेफ्टी के लिए खुद ना खुद इकदाम करें, ये थोड़ी कि दूसरों का सहारा ले, मेरे को अपनी हमें अपनी ज़िंदगी के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, मेरे भाई इस चीज़ को समझो। इसके हिफाजती इकदाम यही हैं जो डॉक्टरों ने बताए कि चेहरे पे मास्क पहने, 5 टाइम हाथ धोएं, अगर हाथ धोने से अच्छा 5 टाइम आप वजू करके जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। इंशाल्लाह कोरोना क्या कोई भी वायरस है वो करीब भी नहीं आएगा। प्रोग्राम रोजनामचे में मैं हूं आपका मेज़बान रियाजुद्दीन। आज हम बात करेंगे मीरपुखार में मुमकिन कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदाम और लॉकडाउन से शहरियों के दरपेश मसाइल के हवाले से। इस हवाले से बात करते हैं शहरियों, डॉक्टर, उलमाए कराम और ज़िला इंतज़ामिया से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो इकदाम किए गए या जो इकदाम किए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मीरपुर खास के अंदर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं ये बिल्कुल नाकिस है। गुज़श्ता कुछ दिन पहले कमिश्नर और डीसी साहब ने कहा था कि कोरोना वायरस के हवाले से तकरीबन पूरे शहर में जो उसका एंटीवायरस स्प्रे किया जाएगा, मगर ये जो एंटीवायरस स्प्रे सिर्फ चंद जगहों पे एक आधी गाड़ी घुमाई गई अपनी मनपसंद जगहों पे की जाती है, बाकी गले मोहल्लों के अंदर जिस तरह कचरे पड़े हुए हैं जिससे वायरस पैदा होने का अंदेशा है, जाने ज़ाया होने का अंदेशा है, यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त मौजूदा हमारे डीसी साहब ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं, उनका पता नहीं है आवाम किस हाल में है, उनको चाहिए कि आवाम की दादरसी करें। अभी रिसेंटली आज मैं सिविल अस्पताल हम गए, वहाँ पर जाके सिविल अस्पताल में हमने देखा वहाँ पे हिफाजती अमूर कोई नहीं थे, वहाँ पे कोई अवेयरनेस टीम नहीं बैठी हुई, वहाँ पे सिविल अस्पताल की इतनी खस्ता हालत है कि नाकाबले बयां है।
वहाँ पे ना उनको कोई पूछने वाला है ना आवाम को सुनने वाला है, उनकी दाद रसी के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आवाम कहाँ जाए और किससे आहूबका करे? मौजूदा जो कोरोना वायरस के हवाले से आप शहर भर में देखें कि लोग किस तरह अजियत में मुब्तला है। मैं चाहूँगा वज़ीर आला साहब से कि नोटिस ले से नाहिल डीसी को, कमिश्नर को बरतरफ करें ताकि हमारे शहर को, हमारे शहरी को रिलीफ मिले। और जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हम किस तरह उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं, क्योंकि आवाम का उनके ऊपर कर्ज है। जो आज हमारे CM साहब, मैं बता देना चाहता हूँ कि CM साहब को हमारे जो यहाँ पर हमारे शहर के MP MNA जो हैं, यहाँ पे आज जो मिनिस्टर हैं, उनका कर्ज़ है आवाम का, मीरपुर खास शहर के आवाम का उनके ऊपर कर्ज़ है कि आज उनको ये कर्ज़ अदा करना है, उस आवाम को रिलीफ दें। अगर वो कर्ज़ नहीं देते, उसको अदा नहीं करते, तो आने वाले वक्तों में वो क्या उम्मीद रखते हैं कि मीरपुर खास शहर के आवाम उनको वोट कास्ट करेगी। अच्छा, इसके अलावा लॉकडाउन जो किया गया है, इसमें जो गरीब दिहाड़ी वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, उन्हें जो परेशानी का सामना है, उस हवाले से क्या कहें? लॉकडाउन के हवाले से जो बड़े ताजिर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका तो चल रहा है गुजरो बसर, मगर जो रोज़मर्रा मजदूरी करने वाले, दिहाड़ियां करने वाले, घड़ा गाड़ियाँ चलाने वाले, उनका क्या होगा? लोग अभी इस वक्त इतना अजियत में मुब्तला है कि जिसको हम बयां नहीं कर सकते। लोग फाका कशी करने पे मजबूर हैं, और फाका कशी के साथ साथ यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की, फिर मैं आपको एक नाहली बताता चलूँ कि जो नरखों में एकदम इजाफा किया गया है, यहाँ पे 100 रुपये किलो दूध दिया जा रहा है, जो दाल 180 रुपये किलो थी 220-240 रुपये किलो दी जा रही है, और यहाँ पर मुख्तलिफ अशियाओं के अंदर, खुराक के अंदर रेट बढ़ाए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया कोई चेक मोमेंट नहीं है, वो जहाँ चाहती है, जैसा चाहती है, जिसको चाहती है उनको चलान करती है, और जिसको चाहती है नहीं करती। आवाम की दाद रसी के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे कोरोना वायरस के हवाले से शहरियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोरोना वायरस के हवाले से हमारे शहर मीरपुर खास को एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम इस चीज़ को ठान लें कि ये अल्लाह की तरफ से एक तो आजमाइश है, हमें तौबा तालिब होना चाहिए, उसे रुजू करें, और रुजू करके उसकी बारगाह में तौबा करें, और आइंदा के लिए ऐसे लोगों को अपने नज़रों में रखें, अपने जहनों में रखें कि जो लोग आपके घरों पे आ आ के, जो दरवाज़े बजा बजा के, जो वोट कास्ट कर रहे थे, जो मांग रहे थे कि आज वो आपके इस दुखी वक्त के अंदर, आपकी तकलीफ़ों के वक्त के अंदर, आज वो आपके घरों को भूले बैठे हैं, आपके घरों को पूछने वाला कोई नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर हमारे शहर के MP MNA साहब से कि खुदारा हमारे शहर के लोगों को लावारिस बना के ना छोड़ा जाए, मेहरबानी की जाए कि इनकी दादरसी की जाए, मुस्तहिकों को उनका हक दिया जाए। और ये जो लॉकडाउन जो है, एक हुकूमत अच्छा काम कर रही है, बहुत भला अच्छा ऐसा काम कर रही है कि साहब हम क्या बताएं, मगर माल जो हुकूमत दे रही है उन्होंने सब घरों के अंदर रखा हुआ, हम लोग भूख मर रहे हैं, हमारे घरों पर कोई नहीं देने आ रहा। ऐसा करो आपके कोई घरों के अंदर देने हमारे आए तो जो हमारा गुजारा हो, चूल्हा चले। अब हम लोग जाते हैं, कोई बोलता है शिनाख्ती कार्ड लाओ, कोई बोलता है कि दरखास्त करवा के लाओ, कोई हमारे को भेजता है कि उधर ऑफिस पे जाओ, कोई बोलता है कि वो उस ऑफिस के ऊपर जाओ। साहब हम लोग गरीब आदमी, मजदूरी, बेलचा चलाने वाले, आप ये देखो कि लकड़ी हमारे हाथ के अंदर लगी हुई है, हम लोग मोहताज आदमी कहाँ जाएं? हमारे को कोई कुछ नहीं हो रहा है कि कुछ हो रहा हो, ना किसी ने हमारे को ये बोला कि एक 10 किलो आटा तुम ले लो, या कोई चटनी से हम लोग रोटी खा लें, में अपना पेट का गुजारा तो करें, कैसे ना कैसे करें, मगर क्या है कि कोई नहीं सुनता। जिधर जाते हैं वो यही बोलता है कि शिनाख्ती कार्ड लाओ, दस्तखत करवा के लाओ, ये करो, और हम किसके पास जाते हैं वो बोलता है उधर भेज चले जाओ, कोई बोलता है वहाँ चले जाओ। साहब आप ऐसा करो, हुकूमत को बोलो कि हमारे घर पर राशन दे के जावे, तो जो कोई हमारे को सुकून होवे, आराम होवे, तो जो हम अपना पेट अपने बच्चों को, मासूमों को खिलावें। मजदूर आदमी है, कहाँ से जावे? कोई हमारी गवर्नमेंट की तनख्वाह तो है नहीं कि जो गवर्नमेंट की तनख्वाह है हमारी, कि हम लोगों को तनख्वाह मिल रही है, परवाह नहीं है कि हम चलो उधार सुधार लेके कर रहे हैं। हम लोग 300 रुपये के मजदूर अपने बच्चों के लिए आटा लेके जाते हैं खरीद के, मगर ये आप साहब मेहरबानी हमारे नहीं, इतना करोगे आप हमारे घर के ऊपर राशन ला के डाल दो, बहुत बहुत चार हो गया, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मजबूरी में हमारे को निकलना पड़ता है, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कोई हमारी सुनता है नहीं। हर गवर्नमेंट को चाहिए उसके घरों में जाए राशन दें, जानी तो कोई ऐसी चीज़ दें जो कि उसके बच्चों का और उसका गुजारा हो सके। जो रोज़ का कमाने वाला है उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना है, उसके
बच्चों के लिए करना है। कोरोना वायरस के हिसाब से जो ये हमारे ऊपर एक अल्लाह पाक की तरफ से अजाब नाजिल हुआ है, मैं तो ये बोलूँगा अल्लाह पाक की तरफ से अजाब हमारे ऊपर नाजिल हुआ है, इसमें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मुतमिन जो गए, सिंध हुकूमत के इकदाम अच्छे हैं, मीरपुर खास इंतज़ामिया के भी इसमें इकदाम ज़बरदस्त हैं, पर सिर्फ एक परेशानी ये आ रही है कि जो लोग बेरोज़गार होकर घरों तक महदूद हो गए हैं उनकी कोई दाद रसाई हुकूमत नहीं कर रही है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी उसकी कोई दाद रसाई नहीं कर रही है, और लॉकडाउन को आवाम ने तो वेलकम किया है, आवाम तो अपने घरों तक महदूद हो चुकी है, जो घूम रहे हैं इस टाइम रोडों के ऊपर वो हैं रज़ाकार, उन फैमिलियों को राशन पहुँचा रहे हैं जो फैमिलियाँ जिनके घरों पर चूल्हे नहीं जल रहे हैं, खुदा रहा कोरोना से मौत नहीं आए भूख से मौत आ जाएगी, तो इस पर सिंध हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत मुतवज्जा हो, लोगों के घरों तक राशन पहुँचाएँ, लोग घरों तक बिल्कुल महदूद हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का सिंध हुकूमत का अच्छा इकदाम है, लॉकडाउन की भी हम वेलकम कर रही है आवाम, बट जो लोग बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं उनके घरों पे राशन पहुंचाया जाए, लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसी कंडीशन हमें नज़र आ रही है जिनके घरों पे दो दो दिन तक चूल्हे तक नहीं जले, हम रज़ाकारान तौर उनके घरों तक जा रहे हैं, जो हमसे हो सक रहा है हम लोगों से भीख मांग मांग के उधर तक पहुँचा रहे हैं, पर इसमें इस मामले में सिंध हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हमें सुस्त नज़र आ रही है, बाकी लॉकडाउन के हिसाब से आवाम उनसे फुल कोऑपरेट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को चाहिए हम भी नहीं निकलेंगे, रज़ाकारान भी बाहर नहीं निकलेंगे, आप जो बेरोज़गार होकर घर पे महदूद हो चुके हैं उन तक राशन पहुँचाएँ, उनकी दाद रसाई करें, वो कोरोना से नहीं वो इस टाइम भूख से ना मर जाएँ। सर मजीद क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? आवाम को एक मैसेज दूंगा, आवाम अपने घरों पे महदूद रहे, आवाम घरों से खुदारा बाहर नहीं निकले, एक अल्लाह पाक की तरफ से पूरी दुनिया में ये आज़ाब उतरा हुआ है, इस आज़ाब से हमें बचना है, आवाम घरों तक महदूद रहे, अपने बच्चों की हिफाजत करे, हुकूमत और इंतज़ामिया को चाहिए कि जो बेरोज़गार हो चुके हैं जिनके घरों पर चूल्हे नहीं जल रहे हैं उनको राशन पहुँचाया जाए, उनकी मदद की जाए, उन तक दाद रसाई की जाए। माशाल्लाह मेरे खास इंतज़ामिया हम लोगों को करोना वायरस से बचाना चाहती है, क्योंकि इस वायरस की मोहलिक जो अमराज है उनसे अभी तक लोगों का वास्ता नहीं पड़ा, अभी तक लोग इसको सिर्फ और सिर्फ मजाक में लिए जा रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया यहाँ कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहब जो जो इकदाम कर रहे हैं वो हम लोगों की बेहतरी के लिए हैं, ताकि हम घरों में रहें, हम अगर घर से बाहर निकलेंगे तो इस वायरस को साथ लेकर आएंगे, अगर घर में रहेंगे तो इस वायरस से कम अज़ कम महफूज तो रह सकते हैं। मैं इंतज़ामिया जो जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, जो इन्होंने शहर बंद कराया वाकई बहुत बेहतरीन काम है इनका, और इस हवाले से मुख्तलिफ तंजीमें, लेकिन एक इंतज़ामिया भी सिर्फ और सिर्फ मुस्तैक इनको लिए जो राशन का इंतज़ाम वो करे, क्योंकि तमाम बाज़ार जो बंद हो चुके हैं उसकी वजह से इनको जो रोज़मर्रा की कमाने खाने वाले हैं उनके राशन का बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि ये इनके घरों पर राशन पहुँचाए, या रज़ाकारों को कहे वो इनके घरों पर राशन भी पहुँचाए, ताकि उन्हें घरों से बाहर ना आना पड़े और हम इस मौलिक बीमारी से बचे रहें। लॉकडाउन के हवाले से जो इंतज़ामिया के इकदाम हैं जिसमें घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है, इसके अलावा ठेले वगैरह जो हैं उनको भी मना है कि आपने नहीं लगाने हैं, फ्रूट वगैरह के अच्छा मखसूस दुकानें खोली जा रही है, इससे जो गरीब लोग हैं उन पर क्या असरात पड़ रहे हैं? गरीब लोगों तो वैसे ही मर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ठेले गधा गाड़ियाँ या रक्शे वगैरह वो सारा सारा एक वो गरीब तबका चलाता है, लेकिन उसको जब घरों में महदूद कर दिया जाता है तो उसके कमाने खाने के ज़राए ख़त्म हो जाते हैं। अगर इंतज़ामिया उनके लिए कुछ पैकेज निकाले या कुछ बेहतरी के लिए सोचे तो वो बहुत बेहतर हो सकता है। अब बड़ी बड़ी दुकानें जो खुली हैं उनसे उन गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये बेहतर नहीं है कि अगर दुकानें दो घंटे के लिए खोली जाएं 24 घंटे में ताकि हर बंदा अपना रोज़गार कर ले? हाँ ये बहुत बेहतर होगा, अगर दो से चार घंटे तक का भी टाइम बढ़ा दिया जाता है तो कम से कम हर शख्स भीख मांगेगा नहीं, वो अपना रोजी रोज़गार खुद कर सकता है। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि तकरीबन ये टाइम दिया जाए ताकि तमाम लोग अब खुद का फलाद हो सकें, खुद अपनी रोज़ी कमा सकें, वो बातौर पर किसी इमदादी मिशन के पीछे ना घूमें। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से करोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए जो इकदाम किए गए इसके बारे में क्या कहें?
मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो एक अच्छा रोल सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनसे एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जो सीएम सिंध ने जो अभी काम किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हमें खुशी भी हो रही है लेकिन एक अफसोस है, अल्लाह ताला का एक समझे कि हम पे अजाब है। जब अल्लाह ताला ने अपना घर ही इस इतना ही बढ़ गया है वायरस जिसके वजह से हमें जो उम्र की हज कह रहे हैं कैंसिल होगा, उम्र लोग अदा नहीं कर पा रहे, तो इससे ज़्यादा हमारी आवाम पे इससे ज़्यादा कोई जुल्म नहीं हो सकता। बाकी इसमें जो है लोगों को पॉलिटिशियंस तो हमारा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ वायरस से सामने आ गई कि हमारे लीडर्स भी अच्छे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी है, अच्छी नहीं है तो क्या सिर्फ हमारी आवाम जिनमें शऊर नहीं है, उनमें जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है। जाहिर है गवर्नमेंट ने ये कर्फ्यू वगैरह क्यों लगवाएं, इसीलिए कि आप घर में बैठें, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे लोग पिकनिक्स मना रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दुकानों पे रश लगा हुआ है, उनमें इतना सेंस नहीं है कि ये सब क्यों कर रहे हैं, हमारी अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। इस चीज़ में मैं उनको फिर अगर ये बात आ रही है कि तो फिर उनमें पॉलिटिशियंस का कोई कसूर नहीं, इसमें हमारी आवाम का कसूर है जो घर पे नहीं उनसे बैठा जा रहा। अगर आप लोग को इतना शौक है तो आप लोग हॉस्पिटल्स चले जाएं, जो डॉक्टर्स हमारे लिए 24 आवर्स लड़ रहे हैं, उनके मास्क उनके आप हालत जाके देखें। रिसेंटली मैंने सखर में जो है वो वीडियोज़ देखी हैं, उनके डॉक्टर्स पे चेहरे पर निशान पड़ गए मास्क पहन पहन के। अगर आप लोग को इतना शौक नहीं है तो आप लोग चले जाएँ, उनकी हेल्प कर दें, वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं, पागल नहीं है वो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मैं नो कमेंट्स। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले से शहरियों को? मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अपने लिए दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए प्लीज़ अपने घरों पे बैठे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बाहर अगर आप लोग निकलते भी हैं कोई मजबूरी तो प्लीज़ अपना फेस कवर करके निकलें, मास्क और ग्लव्स डेली यूज़ करें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। लॉकडाउन की वजह से जो शहरियों की मुश्किलात हैं, जिनमें बहुत सारे लोग वो हैं जो डेली दिहाड़ी वाले हैं या मजदूर तबका है, उस हवाले से क्या कहें? उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी लॉकडाउन एक तरह से हमारे लिए बहुत बेहतर फैसला है, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जो मज़दूर है, डेली बेसिस पे उनकी जो कमाई होती है वो लोग बहुत परेशान हो गए, लेकिन उसकी तरफ से हमारे पॉलिटिशियंस भी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैंने देखा है काफ़ी ऐसे NGOs हैं, फलाही इदारे हैं जो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर इकदाम तो हुए हैं और सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन हमें कहीं कहीं ये देखने में आया है कि अवाम और इंतज़ामिया के माबिन कम्युनिकेशन गैप भी है, कहीं इंतज़ामिया की तरफ से पुलिस की तरफ से ज़्यादती भी नज़र आई है, डंडे मारते हुए नज़र भी आए, कहीं अवाम की तरफ से है कि वो हुक्म अदुली की गई है, ग्रुप की शिकल में लोग जा रहे हैं, तो अवाम से भी गुजारिश है कि वो अहकाम पर अमल दरामद करें, और इंतज़ामिया से भी एक प्यार और मोहब्बत से लोगों को समझाएं। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से शहरियों को जो आटे का मसला है या दूसरी अशियाँ जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं उनके मसलों मसाइल हैं, उसके बारे में क्या कहें? इस सिलसिले में तो इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उन घरों में राशन तक नहीं पहुंचाया गया, उनके लिए कोई सद्देबाब नहीं किया गया, कि जो डेली वेजेस के लोग थे स्पेशली वो बेवाएँ औरतें जो कहीं मासियों की काम करती थी, किसी घर में काम करती थी, उनके लिए उन घरों में काम करना अब छोड़ दिया गया है और उनके लिए दुश्वारी है। सिविल सोसाइटी मुखैरा हजरात तो लोग आए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक हमें डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बंदा ऐसा नुमाइंदा नज़र नहीं आया जिसने आगे बढ़कर कोई काम किया हो। इस सिलसिले में आप क्या अपील करेंगे डिप्टी कमिश्नर से या कमिश्नर से? डिप्टी कमिश्नर से मेरा यही है कि डिज़ास्टर फंड जो मौजूद होता है जिससे गवर्नमेंट के पास इवन सुबह गवर्नमेंट के पास फिलफोर उसको जारी कर दिया जाए, और उन लोगों को इंतजामिया के तौर पर मुख्तियार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू, मुखैर हजरात के थ्रू, सिविल सोसाइटी वकला और डॉक्टर्स के तवसल से उन लोगों तक राशन पहुँचाया जाए जो वाकई हकी हैं और इस डिज़ास्टर में इस वबा में मुतासर हैं। अब तक मीरपुर खास के अंदर करोना वायरस के कितने केस सामने आए? कोई भी एक भी केस अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है। अच्छा, अगर कोई करोना वायरस का अपने मीरपुर खास में सिविल हॉस्पिटल में कोई केस आ जाता है तो हमारे पास उसके टेस्ट के लिए मुकम्मल सामान मौजूद नहीं? हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें 22 किटें दी हैं, वो भी आगा खान लैब में रखी हुई हैं, उसमें भी 20 किटें कराची में पड़ी हुई हैं, इन केस ऑफ नीड वो हमें भेज देंगे। बाकी यहाँ जो मीरपुर खास की आगा खान लेबॉरेटरी में 2 किटें पड़ी
پڑی ہوئی تھیں، ان اس میں سے ایک کٹ استعمال ہو گئی ہے، ایک لڑکی ایڈمٹ تھی شاید ڈگڑی میں، تعلقہ ہاسپٹل ڈگڑی میں، اس کی ڈی ایچ او صاحب نے ٹیسٹ کروائی تھی، وہ ٹیسٹ نگیٹیو آ گئی ہے، وہ مریض ابھی گھر چلی گئی ہے، ایک کٹ ابھی تک یہاں پڑی ہوئی ہے آغا خان لیب میرپور خاص میں۔ کرونا وائرس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کرونا وائرس سے بڑا جو بچنے کا طریقہ ہے وہ لاک ڈاؤن ہے۔ پوری قوم کو بچانے کے لیے، اپنے شہر کو بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کا مقصد ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ اب گھر سے باہر نکلنے کے لیے مختلف میڈیاز پہ، مختلف سوشل میڈیا پہ، واٹس اپ پہ میسیجز، دنیا کی جو اہم ترین شخصیات ہیں انہوں نے بھی میسیج دیے ہیں، اچھے اچھے جو ہمارے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی میسیج دیے ہیں، باوجود اس کے کچھ اپنی پبلک جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے اسکول بند کر دیے ہیں، گورنمنٹ نے اپنے ادارے بند کر دیے ہیں، سوائے ہمارے دو تین اداروں کے جو ایمرجنسی میں لازمی چاہیے، پھر بھی لوگ گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ تو کوئی پریونشن نہیں ہوا ہے، اس سے تو ابھی 100 بچے اگر اسکول نہیں گئے ہیں اور روڈ میں یا گلی میں یا کسی پارک میں کھیل رہے ہیں تو یہ بات تو ایک ہی ہے، وہ تو سارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر اس میں سے خدا نخواستہ کوئی لڑکا پازیٹیو ہوگا، کوئی ایک پیشنٹ ہوگا تو وہ ساروں کو انفیکٹ کر دے گا۔ تو اس لیے میرے خیال میں ابھی آرمی آ گئی ہے، پتہ نہیں کرفیو لگا رہے ہیں یا کوئی طریقہ نکالیں گے، ویسے پبلک مان نہیں رہی ہے۔ باقی میں خود پبلک سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ، ایک تو ہوٹلوں پہ کھانا پینا، ویسے ہوٹلیں بھی گورنمنٹ نے بند کر دی ہیں، نہیں کھائیں۔ دوسرا یہ کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں صابن سے، ڈیٹول سے، کسی اور اینٹی سیپٹک سولوشن سے، سینیٹائزر اگر مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈیٹول سے واش کر لیں۔ صابن ڈیٹول مل رہا ہے، سیف گارڈ مل رہا ہے، اس سے آپ بار بار، پہلی بات تو آپ ہاتھ ملائیں نہیں، گلے کس کو نہیں ملائیں، ہاتھ کسی سے نہیں ملائیں، 3 میٹر کی دوری پہ رکھیں کسی سے آپ بات کر رہے ہیں تو۔ اگر آپ آفس میں ہیں تو جو چیئرس آپ کی ٹیبل کے نزدیک رکھی ہوئی ہیں ان کو ایک وقت 3-3 میٹر کے فاصلے پر آپ دور کر دیں ٹیبل سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بس میں، گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو ایک ہی سیٹ پہ لائن میں نہیں بیٹھیں، بھلے پیسنجر کم ہیں پیچھے پیچھے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے 3-3 میٹر کے فاصلے پر۔ اگر آپ کسی شاپ پہ بھی سامان لے جا رہے ہیں، آپ سارے اکٹھے ہو کے اس پہ چڑھ جاتے ہو، یہ طریقہ اٹس ناٹ گڈ۔ آپ اس میں لائن بنا لیں اور 3-3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو ایک ایک بندہ۔ ایک بندہ آیا سامان لے کے چلا گیا، وہ دوسرا پیچھے آیا سامان لے کے چلا گیا، ایسے بھیڑ میں نہیں آئیں۔ یعنی تھوڑا سا ہم نے فاصلہ رکھنا ہے دوسرے شخص سے، اس لیے کہ خدا نخواستہ کسی کو چھینک آ گئی یا کسی کو کھانسی ہو گئی تو وہ وائرس جو ہے وہ باہر نکلے گا، آپ کے کپڑوں پہ گرے گا، آپ کے ہاتھوں پہ گرے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے اگر سانس میں چلا گیا تو، اگر وہ پھیپھڑوں میں پہنچ گیا تو پرابلم پیدا کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وائرس کی جو ہے وہ عمر کتنی ہے؟ وائرس کی عمر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ موسم کے حساب سے یا اس کے ایٹموسفیئر کے حساب سے، سنا یہ گیا کہ اس کی لائف جو ہے وہ باہر بالکل چھوٹی ہے، 5-6 گھنٹے میں وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ باقی اگر ایک انفیکشن اگر ہو گیا ہے یا اسی ایریا میں سے وہ بندہ آیا ہے تو اس کی جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 14 سے 15 دن ہے۔ یعنی آپ ایران سے آ گئے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو انفیکشن کا خطرہ ہے یا ہو سکتا ہے، تو سمپٹمس آپ کو پیدا ہوں گے 14 دن میں یا 15 دن میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ دیکھیں ایک طریقہ، میں نے کل ایک دوست سے بات کی، ایک ہمارا دوست ہے امریکہ میں، ڈاکٹر ہے، اس کو ہو گیا ہے نیو یارک میں، اس نے اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا ہے۔ بیسٹ پلیس از یور ہوم، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو اموات کا ریٹ ہے نا وہ 1-2% ہے۔ اس سے تو جو ہے وہ کچھ سال پہلے جو ہے فلو سے آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ بندے مر گئے تھے، یہ کورونا میں تو ابھی تک ہمارے پاس تو 1 لاکھ بھی نہیں مرے ہیں نا، بہت ہزاروں میں ہیں فی الحال، پہلے 100 میں تھے ابھی ہزاروں میں ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے اتنا بندہ ڈرے، اس سے تو فلو میں جو ہے ریکارڈ ہے، پہلے کچھ سال پہلے جو ہے وہ فلو میں 10 ملین لوگ مر گئے تھے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ڈیتھ ریشو جو ہے وہ بالکل کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس مورٹیلیٹی ریٹ بالکل کم ہے۔ باقی اس میں جو زیادہ سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے پھیلنے کا، جب وبا پھیلے گی آپ کے بچے اور آپ کے بوڑھے اگر اس میں انوالو ہو گئے تو پھر ڈیتھ ریشو بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس کا مین جو ہے
اپنا زور اسی بات پہ ہے کہ آئسولیشن کریں، یہی مین پرہیز ہے اس کا۔ اچھا، میر پخاس سول ہاسپٹل میں بھی ایک وارڈ قائم کیا گیا ہے اس کے لیے؟ جی جی، وہ وارڈ ہم نے تو کافی دنوں سے قائم، وارڈ کیا ہے آپ کو پتا ہے، 1913 کی بلڈنگ ہے یہاں ہمارے سوائے ایک پیٹس وارڈ کے، جس میں کہ ہم آئسولیشن وارڈ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں سارے بچے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ہم اگر اسکول ہی ہم نے بند کر دیے بچوں والے وارڈ میں تو ہم آئسولیشن وارڈ نہیں بنا سکتے، حالانکہ بلڈنگ وہ ہماری نیو ہے، اس میں ہم نے جان بوجھ کر نہیں بنایا کہ وہاں اگر بچے بالکل ہی نزدیک ہیں اور لوگ مانیں گے نہیں، ادھر سے سیڑھیوں سے ادھر وارڈ میں سے جا کے گھومیں گے اور وہ ادھر اگر انفیکشن پھیل گیا تو پھر تو ہم پھنس جائیں گے، اس لیے ہم نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا ہے۔ باقی تو ہماری جو بھی بلڈنگیں ہیں، سرجیکل وارڈ یا گائنی یا یہ میڈیکل پیٹس، یہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے 1913 کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ہم نے آلریڈی جو ہے وہ اپنا ورکس ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بلڈنگیں تقریباً گرنے کو ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ گر سکتی ہیں، اس لیے مہربانی کر کے ہمیں جو ہے یہ یہاں سے شفٹ کریں۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے جو نیو ہماری ڈی ایچ کیو ہے رتن آباد کے قریب، وہ تقریباً تیار ہے اور ایک دو مہینوں میں انشاءاللہ ہینڈ اوور ہو جائے گی، تو ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا یہ کہ سول ہاسپٹل کا اپنا اسٹاف کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ماسک نہیں مل رہے۔ جی کہ ماسک جو ہے وہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کراچی سے میں نے منگا لیے تھے، ڈی جی آفس سے، بہرحال ہمیں بہت کم کوانٹیٹی میں ملے ہیں تو اس لیے پورے نہیں ہو رہے ہیں کہ پبلک بہت ہے، پھر بھی ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے سینیٹائزر، ہینڈ گلوز اور ماسک جتنے بھی ہمیں ملے ہیں بازار میں یا گورنمنٹ سے، ہماری فل کوشش ہے کہ ہم سارے دوستوں کو پرووائڈ کریں۔ سر دیکھیں، ہاسپٹل کے اسٹاف کی نیت اس لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے تو رہنا ہی ہاسپٹل کے اندر ہے، تو یہاں جو ہے وہ خطرات ہوتے ہیں زیادہ بنسبت گھروں کے۔ وہ آپ کی صحیح بات ہے، لیکن ہمارے ہاسپٹل امپلائز جو ہیں اس میں سارے امپلائز کو کم سے کم ڈیلی 500 ماسک چاہیے، ڈیلی 500، اور مجھے جو ہے ڈی جی آفس سے ملا ہے ایک پیکٹ 50 والا، یہ تو میں نے کوشش کر کے 10-20 پیکٹ بازار سے مانگ لیے تھے یا کسی سے پرچیز کر لیے تھے، اس لیے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر رہا ہوں۔ ابھی بھی میں ڈی ایچ او صاحب کے پاس جا رہا ہوں انڈنٹ لے کے، سنا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہیں، اگر مل جاتے ہیں تو میں یہ کمی پوری کر دوں گا۔ لوگوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈرے نہیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس کی مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے 1-2% ہے، دوسری بات یہ کہ اس میں پینک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کا جو ہم اتنی ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے باوجود اس کے بھی ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کرفیو کی طرف بھی جائیں، پرہیز یہی ہے، ٹریٹمنٹ تو اس کا ہے ہی نہیں، مورٹیلیٹی ریٹ نہیں ہے اس لیے آپ ڈریں نہیں، ٹریٹمنٹ صرف اس کا سمپٹومیٹک ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک ڈرگ نہیں ہے، اس لیے ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس ڈاکٹر کو دکھاؤں یا اس ڈاکٹر کو دکھاؤں، پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی اپنے آپ کو گھر میں آپ آئسولیٹ رکھیں اور 15 دن میں وہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ کرونا وائرس جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی کنٹاجیس یعنی ایک دوسرے سے لگنے والا جراثیم ہے، اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر رہیں، باہر کا بالکل بہت زیادہ ضرورت کے علاوہ باہر نہ نکلیں، اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو بھی فاصلہ رکھیں لوگوں سے، کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، بار بار صابن کے ساتھ کم از کم 20 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ دھوئیں، اور اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی نزلہ زکام ہے تو اپنے منہ کو ماسک کے ذریعے ڈھانکیں، اگر آپ کے پاس ہینڈ واش موجود ہے تو اپنے ہاتھوں کو ہینڈ واش کے ساتھ صاف کریں، یہ طریقے ہیں جن سے آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی بھی علاج موجود نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وائرس جو ہے ہمارے سانس کے عمل سے، ہمارے چھینکنے سے، ہمارے کھانسنے سے باہر آتا ہے، اور یہ جہاں پر بھی جا کے، ایک تو ہوا میں موجود ہوتا ہے، پھر جس بھی جگہ پر یہ جا کے لگتا ہے وہاں پر اکثر 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، تو ہمارے ہاتھوں پر اگر یہ جراثیم موجود ہے، اگر ہم نے کھانسا ہے، ہم نے چھینکا ہے، ہم نے اپنا منہ صاف کیا ہے، تو ظاہر ہے ہم وہ جراثیم جب دوسرے شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی جو لائف ہے وہ 3 دن کی ہے ٹوٹل؟ میکسیمم 3 دن کی ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز کا روزنا جام چا پروگرام، میں ہوں لطیف میرالی۔ ہم اس وقت کنکوٹ شہر میں موجود ہیں، یہاں پر کرونا وائرس کے خدشات کے پر ملک بھر کی طرح کنکوٹ کو بھی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو لوگ اپنے گھروں تک محدود رہیں، اور پولیس اور رینجر کے ساتھ ساتھ یہاں ان کا بھی گشت جاری ہے، اور دکانیں سارے بند پڑی ہیں اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو کنکوٹ شہر میں جو ہے نا کوئی ایسا الحمدللہ ایسا کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا ہے کہ کرونا وائرس کا ایسا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہاں پر جو مزدور طبقے سے دیہاڑی والے لوگ ہیں وہ کہ یہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کس طرح گزارا ہوگا، تو ہمارے ساتھ اس وقت شہری کچھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ اور یہاں پر جو آئسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں کنکوٹ شہر میں، ان کا بھی ہم آپ کو معائنہ کروائیں گے، اور کشمور میں بھی آئسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں ان کا بھی ہم آپ کو معائنہ کروائیں گے، وہاں پر ڈاکٹروں سے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی جائیں گے اور اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ڈیلی ویجز پر یہاں پر دیہاڑی پر جو مزدور ہیں ان کا سفر گزر کس طرح ہوگا، تو اس لیے ہم کسی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب جو یہاں پر جو ملک بھر کی طرح کنکوٹ میں بھی لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے کرونا وائرس کے خدشات کے پر، تو یہ اس عمل کو آپ کس طرح جانے دیکھتے ہیں؟ اور جو ڈیلی ویجز پر یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈنگ وغیرہ یا کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں تو وہ فنڈنگ واقعی مستحق افراد تک پہنچے گی؟ یہ بات آپ کو بہت اچھا کیا گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورا جو کاروباری لوگ ہیں جو دن دہاڑے جو کماتے تھے کھاتے تھے وہ بہت ابھی پریشان ہوں گے۔ ابھی حالات یہ ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے ساتھ جو بھی امداد ملی ہے، تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ غریب لوگوں کو دے گی، یہ خود ہی کھائیں جائیں گے۔ خاص کر کے جو پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں نا، 2010 والے فلڈ کے دوران جس کے پاس ایک سائیکل نہیں تھا، پھر اس نے ان لوگوں نے جو ویگ خرید کی، ابھی تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ غریبوں کو امداد ملے گا۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے فنڈنگ آئے گی، وہ فنڈنگ وہ یہاں پر غریب مستحق تک نہیں پہنچے گی؟ کبھی نہیں پہنچے گی، میں آپ کو لکھ کے دوں گا کہ جو یہ لوگ کسی کو ایک آٹا کے ایک آدھا کلا پہ دے دیں۔ اچھا جی، ان کے پاس ان کے لیے تو عید ہوتا ہے نا، یہ تو ایسے لوگ فلڈ کا دوران آئے یا کرونا وائرس، اس کے لیے تو ابھی عید کا دن ہے نا، وہ خود ہی لیں گے خود ہی کھائیں گے، غریبوں تک میں کہہ رہا کہ ایک آٹا آدھا کلا بھی نہیں جائے گا۔ اچھا، تو پھر حکومت کس طرح اقدامات کرنے چاہیے؟ بس وہ غریب کی جو زندگی ہے گزر رہی ہے وہ اپنے خیال سے گزاریں گے، بہت مشکل سے گزارتے ہیں، ان لوگوں کی پریشانیاں تو ہم سے دیکھا نہیں جاتے۔ اچھا، تو ہمارے ساتھ یہاں پر جو مسلسل پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کچھ شہری یہاں پر جمع ہو چکے ہیں، ہم ان سے بھی معلومات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو غریب لوگ جو ہیں نا وہ تو پہلے سے ہی غریب ہیں، پھر یہ لاک ڈاؤن ہے، ان سے جو روزی کماتا ہے ان سے مشکلات کا سامنا پڑے گا۔ ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ غریبوں کو راشن اور مہیا کرے، ہر گھر میں راشن اور جو بھی ہے وظیفہ ہے ان کو دیے جائے، پھر وہ آسان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ 15 دن ان کے لیے بڑی مشکلات سے سامنا پڑے گا، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہر ایک گھر میں راشن کا انتظام کیا جائے۔ عمل ہے اس میں کرونا وائرس کا جو ہے نا، یہ آپس میں میل جول گیدرنگ ہوتی ہے، ان سے دور رہنا بہت اچھا کام ہے۔ لاک ڈاؤن یہ بھی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا راشن پانی کا مسئلہ ہے، سب کو دیا جائے تو یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ میل جول جو ہے نا اس میں ہی وائرس بڑھتا ہے، لوگوں سے جو آپس میں ملتے ہیں دوسروں سے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ دوسروں سے ملنا نہیں چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے، بہت بڑا عمل اچھا ہے۔ جیسا کہ ناظرین ملک بھر میں یہاں پر جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اس طرح کنکوٹ شہر کے بھی ویرانی کا منظر پیش کرا ہے، میں آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکوں کہ یہاں پر جو یہ جو لوگ ہیں گھروں تک محدود ہیں، یہاں کے کاروباری مراکز ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، اور جنرل اسٹور وہ سارے جو بھی ہوٹل ہو ریسٹورنٹ ہو وہ سب کچھ بند پڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ڈیلی ویجز دیہاڑی پر لوگ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے کیا حکومتی ریلیف فنڈ پہنچے گا ان تک، واقعی تو کیا کہیں گے آپ؟ جی بھائی، یہ تو اچھی بات ہے، لاک ڈاؤن کیا ہے اس نے حکومت نے، یہ اچھی بات ہے، لیکن جو روز دیہاڑی کمانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے، اور ان کے بارے میں بھی ان کو پیکیج دیا جائے کہ غریب لوگوں کا کوئی یہاں پہ حال نہیں ہے۔ یہاں کے ایم پی ایم این اے ابھی تک کوئی بھی
कोई भी यहाँ पे अभी तक तो मौजूद नहीं है, नज़र भी आया है। हम यही अपील करेंगे खुदारा ऊपर जो लोग बैठे हैं उनसे कि खुदारा दिहाड़ी वाले मज़दूरों के बारे में उनके एक अच्छा पैकेज दिया जाए और उनको जो राशन है जिसकी ज़रूरत है वो दी जाए उन्हें। तो आप क्या समझ रहे हैं, वाकई इन मुस्तहक लोगों को ये जो राशन जो है, जिस तरह 2010 में 2012 में जो सैलाब यहाँ पर आया था उसी तरह का हालात होंगे यहाँ, वो उसके बरक्स यहाँ पर जो गरीब जो लोग हैं उनको ये राशन वाकई पहुँच सकेगा, आप क्या कहते हैं? नहीं भाई, हमें तो मुश्किल लग रहा है, यहाँ पे जो गरीब आवाम है उसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। ये खुद ही जो बड़े लोग हैं, साईं सरदार जो यहाँ के लोग हैं वही खा जाएंगे, अवाम को कुछ भी नहीं मिलेगा। गरीब जैसे कमा रहा है वैसे भूख से मर जाएगा। ये जो 15 दिन का इसने किया है ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा यहाँ की अवाम मर जाएगी। उनको जो है ना सिविल अस्पताल में कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। नहीं मॉक्स मिल रहा है, नहीं साबुन है, नहीं को हाथ का बाजू है, बरल कुछ भी नहीं है, हैंड वॉश ही नहीं मिल रहा है। और हमारा जो नुमाइंदा है वो जिसको हमने अमाउंट दिए थे वो भी अभी तक नहीं आया, उसका हक बंद आए तो हम अपनी यूसी में जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पहुँचाएँ, वो अभी तक नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कल निकला हूँ, सिविल अस्पताल में कोई भी नहीं है, DCO ऑफिस में कोई नहीं है। अच्छा। फिर मैं कोर्ट में गया हूँ, कोर्ट में ही ताला है। डेली वेजेस पर जो लोग काम करते हैं, दिहाड़ी वाले बंदे हैं, तो उनको उनके लिए कोई इस तरह का इकदाम, और यहाँ पर जो जिस तरह 2010 या 10 में जो यहाँ पर सैलाब का आया था वो उस तरह का है, यहाँ पर माहौल पैदा होगा 15 दिन में, यहाँ पर लोग भूख अफसला से मर जाएंगे, क्या कहते हैं आप? मैं ये कि 2010 वाला जो सैलाब आया था उनमें भी लोगों को राशन वगैरह कुछ भी ना मिल सका, तो आया कि आप देखते हैं अब ये जो है ना अभी वज़ीर आज़म खान जो अभी पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, आया कि बिलाल भुट्टो साहबज़ादारी जो वो भी ऐलान कर रहे हैं, देखते हैं उनमें क्या होता है। तो मुझे जहाँ तक ये सवाल आ रहा है कि ये मुश्किल है जी, देखिए ना जहाँ तक हमारा सवाल है, क्योंकि जहाँ पर जो हमारा सिटी कंदकोट के अंदर हमने भी जहाँ जहाँ गए हैं वो सब के सब लोग रो रहे थे, मर्द खवातीन बच्चे बूढ़े सब कह के जो हम मुतासर बैठे हुए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, और जो जिनके पास खाना आ रहा था तकसीम हो रहा था वो लोग थे जिनके पास पहले सब कुछ था उनको नहीं मिला, और यहाँ पर जो भी अपने हुकूमत वाले जो भी हैं जिनके अपने पार्टीज वगैरह हैं जितने जो भी सांसददान हैं वो अपने वहाँ से लाते हैं, खुद अपना पेट भरते हैं और अपने जेब में डालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कनकोट शहर है तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं ये लॉकडाउन है जी, तो आप क्या समझ रहे हैं उन लोगों को कुछ मिल रहा है यहाँ जी? देखिए ना सबसे पहली बात ये है कि यहाँ माशाल्लाह 5वां दिन हो गया है, सब लोग बेरोज़गार भी हैं और परेशान भी हैं, रक्शे वाले रेड़ी वाले जो और सब्ज़ी वगैरह वाले और कुछ भी है हल्के फुल्के दुकानदार वो भी परेशान हैं, ठीक है। अब जो रोज़ कमाते कमाने वाला जो लोग होते हैं वो दिन को क्या खाएंगे, अगर एक दिन बंदा 1000 रुपया लेता है फैमिली के लिए तो 1000 वहीं ख़त्म हो जाता है, आज तो 5वां दिन है और इन्होंने 15 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है, तो अभी आप सोचें क्या हो सकता है। तो जहाँ तक ये है कि भाई उम्मीद लगाए लोग बैठे हैं, वरना आवाम सड़कों पर निकल आएगी, बिल्कुल आवाम जितनी भी है वो सड़कों पर निकल आएगी, मजबूरन निकल आएगी। अब ये है कि भाई वज़ीर आज़म खान का जो पैकेज चल रहा है उन्होंने रिलीफ दिया हुआ है और बिलाल भुट्टो साहब ने जो बताया हुआ है उसी पर लोग थोड़ा सा अमल कर रहे हैं, उनके इंतजार में इनका यही कहना है कि वो जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो यहाँ पर जो ऐलानात किए हैं फंडिंग के हवाले से, उनके इंतजार में अगर उन लोगों का ये लोगों तक ये राशन नहीं पहुंचा तो लोग अज खुद मजबूरन यहाँ से जो घरों से निकल पड़ेंगे मजबूरन। तो हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, उससे मालूम करने की कोशिश करेंगे। पेपर नहीं मिल रहे हैं, ये मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, हम गरीब बच्चे हैं, डिटोल साहब ये हमने 100 रुपये में ख़रीद लिया है कंदकोट से, हमारे को प्लीज़ मार्क्स चाहिए। के यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त प्रेस क्लब में यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट इमदाद बलोच साहब हमारे साथ बैठे हैं, इससे भी कुछ मालूम लेते हैं इनका क्या कहना है कोरोना वायरस के। इमदाद साहब क्या कहिए आप? देखिए जहाँ तक कोरोना वायरस का मामला है तो इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया जो है इस वबा में गिरफ्तार है, और जब दुनिया की बात करेंगे तो साथ में अपने मुल्क की बात, और अपने मुल्क की बात करेंगे तो सूबे सिंध में इस वक्त हुकूमत सिंध की तरफ से जो इकदाम उठाए गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो इंतहाई तारीफ कुन इन्होंने इकदाम उठाए हैं। जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, कोई भी केस जो है कोरोना के हवाले से अब तक सामने नहीं आया,
مگر پھر بھی یہاں کے ادارے الرٹ ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو اسٹینڈ بائی رکھا گیا ہے اور وہ اس حوالے سے اپنے ساری پریکٹسز اس وقت کر رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خاص طور پہ، ہم جس ضلع میں رہتے ہیں تو یہ ضلع جو ہے تین صوبوں کا سنگم ہے، ایک طرف بلوچستان ہے اور دوسری طرف پنجاب ہے، تو میرے خیال میں اگر اس وائرس کی روک تھام کے لیے یہ سرحدیں بند کی جائیں، پنجاب کی سرحد اور سندھ کی سرحدیں بند کی جائیں، تو وہاں سے جو آنے والے لوگ یہاں پہ یا یہاں کے جو لوگ دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی کورونا وائرس کی روک تھام میں ہمیں بڑی مدد حاصل ہوگی۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، پوری دنیا پریشان ہے، ساری عالم انسانیت میں ایک پریشانی پھیل چکی ہے، صرف اور صرف احتیاط اور کچھ بھی نہیں ہے، احتیاط لازم ہے۔ جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، جہاں جہاں تک ہمیں میسیجز پہنچانے چاہیے پہنچ رہی ہیں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ضرور یہ بتایا جائے کہ اس مرض، اس وبا کی روک تھام کے لیے صرف اور صرف احتیاط ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب احتیاطی تدابیر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو خود ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو اور میڈیا کے تھرو بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، کہ سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی اگر کسی کو کھانسی ہے تو وہ الگ رہے، اگر کسی نزلہ یا زکام ہے تو وہ الگ رہے، 20 منٹ تک ہاتھوں کو دھونا ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے کہ 20 منٹ تک آپ کسی اچھے سے صابن کے ساتھ یا کسی واش کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس کے علاوہ پبلک گیدرنگس میں آپ وہاں پہ نہ بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہے اسے محدود رکھیں، لوگوں کے گیدرنگس میں اپنے آپ کو وہاں پہ انوالو نہ کریں، اور اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو آپ جو ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں آپ اس ٹیشو پیپر کو کسی کچرے دان میں پھینک دیں، اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کھانسی ہے، اگر آپ کو زکام ہے تو اسی جگہ پہ مت جائیے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، بڑی ایک کریٹیکل صورتحال ہے پوری دنیا سمیت ہمارے پاکستان میں بھی، تو جب تک ہم احتیاط نہیں برتیں گے تب تک ایسی اس وبا کے خلاف ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جی سر، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے ایک افراتفری ماحول ہے، اور اس سے تو کوئی انحراف نہیں کر رہا ہے کہ کرونا وائرس نہیں ہے، بالکل کرونا وائرس ایک موذی یہ وائرس بھی ہے، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ملک کو اس وبا سے بچائے۔ لیکن ہم جہاں تک اس ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے کرونا وائرس کے جو ایفیکٹس لیے گئے ہیں انتظامیہ کی جانب سے وہ انتہائی شاندار ہیں، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، بالخصوص ڈپٹی کمشنر ہو، اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے، جیسے کہ ہوٹلوں میں شادی اور مختلف تقریبات کے اوپر ان کی کڑی نظر ہے، کیونکہ اس میں یہ تو ہے ہمارا گرم علاقہ بھی تو ہے، لیکن اس خدشات سے بچنے کے لیے قوم کو، عوام کو اس انتظامیہ اور اس حکومت ہم پر لازمی ہے اور فرض بھی ہے جو یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور یہاں اللہ کا فضل ہے کہ جیسے جیسے انتظامیہ بتا رہے ہیں ان پر یہ عوام، یہاں کی شہری بھی اس پر عمل پیرا ہیں اور عمل کر رہے ہیں، بالکل ہوٹل وغیرہ جو بھی ہیں وہ بھی خالی ہیں، اور شادی تقریبات وہ سے بھی کنارہ کشی ہو رہی ہے، اور بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ہم، اور خصوصاً یہ ایک کیونکہ منتقل ہونے والا وائرس ہے، اس سے جو ہمیں ڈاکٹرز اور دیگر ماہرین جو بتا رہے ہیں کہ ان سے بچنے کے لیے تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ یہ مختصر ایک لاغرضی انسان کی اگر زندگی کو نقصان پہنچائے تو اس سے بہتر ہے کہ کیا ہوگا، ایک ماہ، دو ماہ، تین ماہ، لیکن کوئی نہ کوئی ان کے حل نکلے گا، لیکن لاغرضی سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے، اور یہ جو تدابیر ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور یہاں کے الحمدللہ کنکوٹ کے باشعور لوگ ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں۔ روز نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں۔